लोगों की मौत हुई, 5 लोगों की हालत गंभीर। और कानपुर में भारत समाचार की खबर का अब बड़ा असर यह हुआ है, वहां पर आपको बता दें कि डीएम और डीआईजी पहुंचे हैलेट हॉस्पिटल, जहां पर 5 लोगों को भर्ती किया गया था। जहरीली शराब पीने से 2 लोग यहां पर मौत का शिकार हो गए। और उसके बाद डीएम वहां पर पहुंचते हैं अस्पताल में, देखते हैं कि कैसी वहां पर इनकी स्थिति है। और भारत समाचार पर यह खबर चलने के बाद एक्शन में आए हैं डीएम और डीआईजी, जो कि हैलेट हॉस्पिटल पहुंचे हैं। यहां पर 5 लोग अस्पताल में जिंदगी मौत से इस वक्त लड़ रहे हैं, और इसीलिए अब वहां पर डीएम और डीआईजी पहुंच चुके हैं इस मामले की छानबीन के लिए। को यहाँ पर लाया गया है, 5 आदमी आए थे, एक अभी आया है। शवों की हालत जो डॉक्टर बता रहे हैं स्टेबल है, अंडर ट्रीटमेंट है। और जो गांव में हैं वो 2 की डेथ हुई है, अनूप सचान भी इसको कहीं से लाया था, उसकी डेथ हो गई। ये बाकी प्राथमिक जानकारी और गहराई छानबीन उसके नंबर वंबर पर उपस्थित करके की जाती है। कानपुर में जहरीली शराब पीने के कारण यहां पर 2 लोग मौत का शिकार हो गए, और उसके बाद जिन 5 लोगों की स्थिति गंभीर थी उनको हैलेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। वहां पर आपको बता दें कि डीआईजी डीएम पहुंचे हैं तुरंत, भारत समाचार की खबर चलने के बाद ये बड़ा एक्शन वहां पर लिया जा रहा है। प्रशासन वहां पर अब अलर्ट हो चुका है और ये जानने की भी कोशिश कि आखिरकार ये जहरीली शराब इनको मिली कहां से, और जहरीली शराब की वजह से जिनकी मौत हुई है उनसे भी पूछताछ, उनके परिजनों से भी पूछताछ देखिए अब होगी। जिन लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया उनकी जब स्थिति सुधरेगी तो उनसे भी लाजमी है कि पुलिस पूछताछ करेगी। कानपुर से हमारे सहयोगी अवनीश दीक्षित जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अवनीश, देखिए कानपुर में अब भारत समाचार की खबर का असर हो चुका है, क्या कुछ जानकारी? डीएम डीआईजी हॉस्पिटल पहुंचे क्योंकि देखिए डीएम और डीआईजी को जब जानकारी हुई है कि जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत हो गई है और आधा दर्जन से अधिक लोग अभी भी हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, तो तत्काल अस्पताल पहुंचे हैलेट, वहां उन लोगों से बातचीत की है, उनके जो मृतक के परिजन उनसे बातचीत की, जो लोग एडमिट उनके परिजनों से बातचीत की। उसके बाद वो लोग यहाँ से उसी सजेती इलाके में जहाँ पे घटना हुई वहां के लिए रवाना हो चुके हैं। और ये भी जानकारी मिल रही कि जो व्यक्ति मौत हुई जिसके अनूप नाम का ही ड्राइवर है ट्रक का, ये कल शेविंग कराने के लिए गया था कस्बे में, उसके बाद शराब लेकर आया था कहीं से, क्योंकि शराब पूछता सील शराब की जो 772 दुकानें हैं, जितने शराब के गोदाम उन सभी पर जिलाधिकारी ने और आबकारी विभाग ने अपनी सील लगा दी, वहां शराब निकल नहीं सकती। तो आखिर शराब आ कहां से रही थी? एक शराब कच्ची शराब को जहरीली बनाई जा रही थी। तो कल भी बिद्दू इलाके में एक शराब की भट्टी को पुलिस ने नष्ट किया था, उसके कुछ 2 थाना क्षेत्र बाद ही सजेती इलाका लगता है, वहां पर इस तरह अवैध शराब बन रही थी, पुलिस को जानकारी नहीं थी। और कमोबेश यही स्थिति कानपुर सभी ग्रामीण अंचलों की है जहां शराब बन रही है और पुलिस को जानकारी है, पुलिस कार्रवाई भी करती है, लेकिन आबकारी विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता। वो आबकारी विभाग सिर्फ सरकारी दुकानों में ताला डालकर बैठ गया और डीएम के आदेशों का पालन कर रहा है। जिलाधिकारी को बराबर सूचना दी जा रही थी कि देखिए इस तरह की शराब इस तरह पाबंदी पूरी तरीके लगाएंगे तो कहीं ना कहीं शराब पीने वाले और जो आबकारी विभाग है वो यहाँ पर लापरवाह तो बना हुआ है। तो ऐसे में आबकारी विभाग से भी तो सवाल बनते हैं कि आप कैसे एक्शन लेंगे आगे, क्योंकि लगातार ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। एक तरफ लोग जंग लड़ रहे हैं कोरोना से, तो दूसरी तरफ अब शराब के केसेस सामने आएंगे तो कैसे पा पाएंगे आप? देखिए आबकारी विभाग के जो अधिकारी डीओ जो जिला आबकारी अधिकारी है उनसे बात की गई, उनका कहना था कि अभी हम लोग जांच कर रहे हैं कि शराब यहाँ आई कैसे, क्योंकि जनपद की सभी दुकानें सभी गोदामों को बीते एक हफ्ते से जिलाधिकारी के आदेश पर आबकारी विभाग ने और जिलाधिकारी कार्यालय के लोगों ने अपनी सील लगाकर बंद कर दिया और शराब आके आ कहां से रही है, क्योंकि शराब बन रही है उसका अंदेशा पहले से ही जिला प्रशासन को था और SSP और DIG को और DM को पूरी जानकारी दे दी गई थी। ग्रामीण अंचलों में अवैध रूप से जल्दी शराब का निर्माण होने लगा। नजर बना के रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।